देवभूमि उत्तराखंड में कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बजा दिया है। पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए देहरादून के परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा शनिवार को आयोजित की गई। प्रधानमंत्री ने देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल है। पीएम मोदी ने यहां से आज कहा कि आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गतिशक्ति की है, दोगुनी तीन गुनी तेजी से काम करने की है। यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। पीएम ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि इस सदी की शुरुआत में वाजपेयी जी ने पूरे देश को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी परियोजना की शुरुआत की थी। फिर 2004 से 2014 तक 10 साल देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ घोटाले हुए, खपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। साल 2007 से 2014 के बीच जो केंद्र की सरकार थी उसने 7 साल में उत्तराखंड में केवल हमारे पहले जो सरकार थी उसने 7 साल में क्या काम किया। पहले की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 288 300 किलोमीटर भी नहीं, केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे, जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली से देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इसके बनने से ये दूरी 6 घंटे की जगह 2.5 घंटे से पूरी की जा सकेगी। इससे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ साथ इस रूट पर चलने वाले सभी यात्रियों को इसका काफी लाभ मिलेगा। दरअसल बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ उतर रही है। 5 वर्ष के कार्यकाल में राज्य में 3 मुख्यमंत्री बना चुकी बीजेपी चुनाव जीतने के लिए काफी हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही निर्भर है। इसलिए प्रधानमंत्री लगातार राज्य का दौरा कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। IANS रिपोर्ट।